फ्रेंड्स वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, सब कोई बता रहा है अमेज़न के ऊपर ऑफर्स के बारे में कि ये ऑफर आई है, वो ऑफर आई है, उसका आप ये लाभ उठा सकते हैं। नो डाउट ऑफर्स आ चुकी हैं, काफ़ी अच्छी ऑफर्स आ चुकी हैं। दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, इस सीज़न में हम इंडियन लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं और करने भी चाहिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं सोचा आपके हिसाब से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड है, अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड। अगर आप अमेज़न के मेंबर हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो मेरे पास भी है ये अमेज़न पे का क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको बताऊँगा क्या इसमें यूनिक चीज़ है जो इसको खास बनाती है और ऑफर आपकी जो ऑफर्स हैं उनको मतलब डबल ऑलमोस्ट कर देती है। मतलब आपके जो है क्योंकि काफ़ी बेनिफिट्स आपको इस कार्ड से मिलते हैं जो कि लाइफ टाइम तक आपका मतलब आपको हैप्पी रखते हैं और आपको यूज़फुल रहते हैं। तो क्या है इसके फीचर और कैसे आपको मिल सकता है, तो वो देखने के लिए ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि आपके काम का है। क्योंकि काफ़ी लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से घबराते हैं, वो सारे डाउट्स मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड घबराने की चीज़ नहीं है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है अगर आप इसको ढंग से इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं बता दूँ इसके खास फीचर्स होते क्या हैं। वैसे बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स आपको जब आप कुछ खरीदते हैं तो क्रेडिट देता है, मतलब आपको उधार मिलता है, फिर आपको उसको रीपेमेंट करना पड़ती है। दोनों ऑप्शन मिलती हैं, चाहे आप किस्तों में उसको रीपे कर दें या फिर एक साथ उसको रीपे कर दें। 50 दिन आपको मिलते हैं इस चीज़ के लिए। आप 50 दिन के अंदर आपने पूरा अगर अमाउंट वापस करना है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वो इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी। वो भी आजकल कई तरह की आ गई हैं, किसी में क्रेडिट लगता है, किसी में नहीं लगता, तो वो आपका डिपेंड करता है। तो ये तो है रीपेमेंट्स जनरल बात। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जब भी आप अमेज़न से इससे परचेज करेंगे तो आपको 5% तक इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। वो 5% जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो रुपए होंगे आपके लिए अमेज़न पे यूज़ करने के लिए। मतलब 100 रुपये की अगर आपने चीज़ इससे ली तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए। उसका मतलब है आपके अमेज़न पे बैलेंस में 5 रुपये चले गए। अब उन 5 रुपये वो हमेशा आपके पास है। नहीं तो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं और उसके बदले में वो पॉइंट्स इकट्ठे करके अपने जो जिनके साथ उनके कनेक्शन होते हैं वो चीज़ें बिकवाते हैं। इसमें आपकी कोई भी सेल नहीं चलती है। अगर आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट जोड़ जोड़ के कुछ फ़ोन लेना है अपनी पसंद का, आपने कोई स्पीकर लेना है, आपने कोई हेडफोन लेना है, कुछ भी लेना है अपने पसंद का, वो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें एक लिमिटेशन होती है दूसरे कार्ड्स में। लेकिन यही खास है, सबसे बड़ी है इस अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड में, इसमें वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपके इकट्ठे हो रहे होंगे आपके अमेज़न के अकाउंट में। और उस अमेज़न के अकाउंट एक तरह का आपका बैंक ही है वो, जिसको आप यूज़ करके कुछ भी कभी भी खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हैं जैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में होता है कि इस डेट तक वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने 100 रुपये की चीज़ लेके 5 रुपये इकट्ठे कर लिए, चाहे आप 10 साल बाद उसको यूज़ करें, आपको वो 5 रुपये की वैल्यू देंगे। तो इस तरह आप 100 रुपये की चीज़ तो लोगों ने काफ़ी अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स आप इससे खरीदोगे होंगे। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। अब एक रिसेंटली इसका फ़ायदा आपको कल वाली वीडियो में मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको अगर आप प्राइम मेंबर हैं, प्राइम मेंबर बनने के काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो आपको बता दूं। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं अमेज़न के तो आपको 3% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप प्राइम मेंबर हैं, काफ़ी सामान अमेज़न लेते हैं तो आप प्राइम मेंबर होंगे ही, काफ़ी उनको पता है प्राइम मेंबर का बहुत सारे आपको फ्री डिलीवरी मिल जाती है, काफ़ी कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं। तो अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपको 5% ये रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जो कि अमेज़न पे बैलेंस में आपके जुड़ जाएंगे। इसके अलावा कैशबैक्स काफ़ी इंस्टेंटली मिल जाते हैं आपको अगर आपके पास अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़ोन या कोई चीज़ ली जिसपे कैशबैक ऑफर्स चल रही हैं आज के डेट में, फेस्टिव सीजन में इस कार्ड के ऊपर बहुत सारी कैशबैक ऑफर्स हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेते हैं उस पर मिलते हैं 1,000-2,000 रुपये के कैशबैक्स हैं। अदरवाइज़ बाकी क्रेडिट कार्ड्स में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं कैशबैक को आपके अकाउंट में आने में, यानी क्रेडिट अकाउंट में आने में। लेकिन इसमें जैसे ही आपने आज परचेज किया, विद इन 1 आवर आपके अमेज़न पे बैलेंस में वो कैशबैक जुड़ जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है, इसके बारे में डिटेल कल के वीडियो में आएगी, सरप्राइज़। ज़रूर देखिएगा कल का वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसका पता लग जाएगा प्रैक्टिकल डेमो की कितने फ़ायदेमंद है ये कार्ड। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि वो अमेज़न पे ICICI का क्रेडिट कार्ड ज़रूर लें। तो वो कैशबैक आपके अकाउंट में आधे एक घंटे में आ सकता है। और वो जो 1,000 रुपये है वो आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं जा रहा, वो आपके अमेज़न पे अकाउंट में आ रहा है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। अब वो
₹1,000 आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर हैं, और अगर आप फ्रीक्वेंट बायर हैं, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी लोग अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं, सभी फ्रीक्वेंट बायर्स हैं, तो वो ₹1,000 आपके और किसी चीज़ को लेने में डेफिनेटली काम आएंगे। और अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करना चाहते तो आपके पास वो कैश है, एक तरह से एक बैंक अकाउंट में आपका वो जमा है। तो दिस इज़ अ USP, बिगेस्ट USP ऑफ दिस कार्ड। इसके अलावा ये जो ₹1,000 और 1,500 जो भी आप जोड़ते हैं अमेज़ॉन पे बैलेंस में, ये एक तरह का जैसे दूसरी ऐप्स हैं, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, और काफ़ी ऐसे ही ऐप्स हैं जो आप काफ़ी चीज़ें यूज़ करने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ्यूचर है, ये जो अकाउंट में जो बैलेंस है इससे आप अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपने बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल, मतलब कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर एक और बेनिफिट कि कुछ कई बार इसमें स्कीम्स चलती हैं, जैसे आप नए हैं तो आपको कुछ वहाँ 100-200 रुपये कैशबैक, जैसे बिल पेमेंट्स किए हैं उसमें वापस आ जाता है, फ़ोन रिचार्ज किया उसमें 30-40 रुपये आपका, मतलब ऐसे छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें आपको इनके साथ बंडल मिलता है, वो मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता, कम से कम मुझे 1 घंटे का वीडियो चाहिए अगर हम इसको सारी ऑफर्स इसकी मैं एक एक करके बताऊँ। तो इसे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यूज़फुल कार्ड है ये। तो ये है कार्ड्स में, कार्ड्स बेस्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड अमेज़ॉन पे, ICICI क्रेडिट कार्ड, और फेस्टिव सीजन में जब इस तरह की सेल्स लगती हैं तब इसकी यूज़फुलनेस 10 गुना बढ़ जाती है। तो मैं सबसे, आप सबसे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया इस वीडियो के लिए, एंड अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा मुझे हो चुका है, और कल एक सरप्राइज़ आएगा जिसको आप ज़रूर वॉच करें। और बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कोई भी क्वेश्चन इस कार्ड को लेके आपके मन में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से वीडियो की पहुंच दूर तक बढ़ जाती है, तो प्लीज़ साथ में एक क्लिक लगेगा आपका, लाइक हो जाएगा, थैंक यू आपने कर दिया। तो अगर नहीं भी किया तो सॉरी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर देना, पर इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, और साथ में कमेंट्स ज़रूर लिखें फ्रेंड। अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तब भी यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको लगता है कि अच्छा काम किया है, तो उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो यही है दरख्वास्त आपकी मेरी तरफ से, और ये कोई भी आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ड्रोन से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन फिर से आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में फिर से बताऊं कि क्या हो गया अब गवर्नमेंट को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी रिव्यूज़ के पेंडिंग पड़े हैं, वो भी आएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। जय माता दी, कल से नवरात्रि शुरू हैं, बोलो सच या जोगा वाली माता थोड़ी सदा ही जय, जय माता दी, जय माता दी, कल से नवरात्रि शुरू हैं, जय माता दी, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।